देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मथुरा शहर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। ये गैंग लंबे समय से शहर में सक्रिय था और वाहन चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था। 9 जुलाई को एक पल्सर मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट शहर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। उसी के आधार पर पुलिस उस मोटरसाइकिल की तलाश में जुट गई और 24 घंटे के अंदर उस पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। साथ ही रवि नाम के वाहन चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने गैंग के बाकी सदस्यों के नाम और ठिकाने बता डाले। शातिर वाहन चोर रवि ने बताया कि प्रवीण निवासी तरोली छाता, अशोक निवासी अमर कॉलोनी और निखिल निवासी जमुना विहार गैंग के सदस्य हैं। हम लोग अक्सर शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि की निशानदेही पर 3 बाइक चोरों को और गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पैशन और पल्सर 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये शातिर चोर मोटरसाइकिल के नंबर और इंजन नंबर चेंज कर RC भी बना डालते थे और उसे शहर में बेच देते थे। पकड़े गए आरोपियों का पुलिस जल्द से जल्द आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। एक गैंग पकड़ा गया है जो कि मोटरसाइकिल चोर गैंग है और इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनमें से एक मोटरसाइकिल 8 तारीख को चोरी हुई थी। उसके संबंध में कोतवाली मथुरा के अंदर मुकदमा दर्ज कराया गया था। विदिन 24 घंटे इस मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई। इनसे 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिनके संबंध में जयपुर और आगरा दोहा मंडी के अंदर मुकदमे दर्ज हैं। और ये शातिर किस्म का गैंग है और नए नौजवान लड़कों का गैंग है, जो कि मोटरसाइकिल अपने शौक के लिए चुराते हैं। साथ ही साथ इसमें ये कमीशन पर भी मोटरसाइकिलों के नंबर चेसिस नंबर वगैरह चेंज करके बेचते हैं। पहले भी नहीं पकड़े गए? पहले की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। मथुरा से संवाददाता सुरेश पचहरा की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।